स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आप सभी से मुझे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है जो कि प्रभात खबर एक न्यूज चैनल है, वहाँ से कॉपी की गई है। हो सकता है इन्फॉर्मेशन ये आपको अच्छी ना लगे या मे बी इन्फॉर्मेशन सही ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों, में लिखा हुआ है, सरकारी मेडिकल कॉलेज बेच रहे हैं सीटें, NRI के नाम पर ले रहे हैं मोटी फीस। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि भारत में हर एक मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट सेक्टर का है, वहाँ पे कुछ ना कुछ सीटें होती हैं जो कि NRI कोटे रिजर्व होती हैं। तो उसी से कोई इन्फॉर्मेशन है, आप बता दें, कॉलेज को स्वामित्व पोषक की छूट। जी हाँ, अगर आप भारतीय नागरिक हैं और नीट की परीक्षा में आपके स्कोर अच्छे नहीं हैं, तो इस देश में आपको किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर नहीं मिलता है, सीट नहीं मिलती है। लेकिन अगर वहीं आप NRI हैं, तो नीट में अच्छे स्कोर नहीं होने के बावजूद आपको देश के अच्छे सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल सकता है। इसका कारण है कुछ राज्यों द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों को स्ववित्त पोषण की खुली छूट देना। सरकार के इस कदम से सरकारी कॉलेज अब पैसा बनाने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। बता दें, इसके लिए कॉलेजों में NRI कोटे की व्यवस्था की गई है। कई सरकारी कॉलेजों में 3 से 15% सीटें NRI स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग रखी गई हैं, और में कुछ मैनेजमेंट कोटा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पांडुचेरी में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटे का प्रावधान है। जहां एक और कॉलेजों में सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जात जात आधारित कोटा दिया जाता है, तो वहीं NRI कोटा फीस के रूप में छात्रों से लाखों वसूला जाता है। गुजरात में NRI कोटे की सबसे अधिक 241 सीटें हैं। NRI सीटें न केवल NRI भर्तियों के लिए खुली हैं, बल्कि उनके लिए भी हैं जो फीस स्पॉन्सर कर सकते हैं। इस कोटे के तहत ऐसे स्टूडेंट जो एडमिशन ले सकते हैं जिनके माता पिता, भाई बहन NRI हों। अगर छात्र के माता पिता NRI नहीं भी हैं, तो कोई NRI अंकल, रिश्तेदार या ग्रैंड पेरेंट्स भी स्पॉन्सर्स बन सकता है। दोस्तों, बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, आप देख सकते हैं कि आखिर किस हद तक भ्रष्टाचार की जो है जड़ें कहाँ तक व्याप्त हैं। दोस्तों, आगे कुछ लिस्ट दी गई, इसमें कई कॉलेजों में रखी गई हैं 3 से 15% सीटें NRI के लिए। बता दें, 12 से 20 लाख फीस प्रतिवर्ष सरकारी कॉलेजों में NRI कोटे की फीस, 25,000 से 1,00,000 रुपये प्रतिवर्ष सरकारी कॉलेज में कुछ सामान्य फीस है, 30 लाख रुपये सालाना फीस है प्राइवेट कॉलेजों की औसतन। बता दें कि गुजरात में 241 सीटें हैं, राजस्थान में 212, पंजाब में 41, पांडुचेरी में 22, हिमाचल प्रदेश में 20, हरियाणा में 15। ये कुछ प्रमुख ऐसे राज्य हैं जहां पर NRI कोटे के छात्रों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। दोस्तों, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं कि ये खबर सही है, लेकिन क्योंकि ये एक न्यूज़ आर्टिकल है और मे भी ये खबर सही हो सकती है। दोस्तों, इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि अगर आप NRI हैं, तो वहाँ के आप नियम से एडमिशन्स लें। इन सभी के अलावा करप्शंस के फैलने को रोकें और खुद से विचार करें इस आर्टिकल के बारे में कि क्या ऐसा संभव हो सकता है। दोस्तों, क्या आपके विचार, प्लीज़ कमेंट करिएगा, और हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ये खबर सही है कि नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।